नमस्ते बच्चों, हमने मददगार चूहा इस पाठ को अच्छे से पढ़ा है और आगे हमारा काम है कि हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर अच्छे से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक दिन जंगल में एक डैश डैश आराम से सो रहा था। कौन सो रहा था? शेर। दो, चूहा शेर के शरीर पर चढ़ा और डैश डैश करने लगा। क्या करने लगा? नाचने लगा। तीन, मैं तुम्हारी डैश डैश करूँगा। क्या करूँगा? मदद। चार, शेर को डैश डैश से अलग किया। किससे अलग किया? जाल। प्रश्न दूसरा है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक, शेर क्या कर रहा था? शेर क्या कर रहा था? उत्तर है, शेर आराम से सो रहा था। शेर आराम से सो रहा था। दो, बिल में कौन रहता था? बिल में कौन रहता था? उत्तर है, बिल में चूहा रहता था। बिल में चूहा रहता था। तीन, शेर ने गुस्से से क्या किया? शेर ने गुस्से से क्या किया? उत्तर है, शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। चार, शेर पर क्या संकट आया? शेर पर क्या संकट आया? उत्तर है, शेर को शिकारी ने जाल में डाल दिया। शेर को शिकारी ने जाल में डाल दिया। पाँच, चूहे ने शेर की मदद कैसे की? चूहे ने शेर की मदद कैसे की? उत्तर है, चूहे ने अपने दोस्तों के साथ जाल को कुतर कर शेर को बाहर निकाला। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ जाल को कुतर कर शेर को बाहर निकाला। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग कीजिए मतलब जो यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं उनको वाक्य में हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। पहला शब्द है फल। तो फल यह शब्द वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे? पेड़ पर मीठे फल है। इस तरह से आप कोई भी वाक्य अपने हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा शब्द है सूंड। हाथी की सूंड बड़ी है। तीसरा शब्द है लड़का। हाथी पर लड़का बैठा है। ऐसे कोई भी शब्द अगर आए तो जैसे हम यहाँ पे मैंने जैसे उदाहरण के तौर पर वाक्य दिए हैं उस तरह से आप किसी भी वाक्य का, किसी भी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों और उत्तरों को अच्छे से पढ़कर आपको आपके कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।